नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। तो यार, कॉमिक कॉन में अनाउंस किया गया कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी नाम की मूवी आने वाली है। तो मैंने ढूंढना चालू किया इसके बारे में, तो मुझे कैंग डायनेस्टी नाम की कॉमिक सीरीज मिली, जिसके टोटल 16 इश्यूज है, जिन्हें मैं एक एक करके कवर करते जाऊंगा। आई नो कि ये बहुत ज्यादा इश्यूज है, लेकिन कोई बात नहीं, जब कंप्लीट हो जाएंगे तब आप प्लेलिस्ट के जरिए बिंज वॉच कर सकते हो। एनीवेज, ये कॉमिक्स आई थी 1998 में और 2004 तक चली थी। तो इस सीरीज में हम जानेंगे कि कैंग असल में क्या तबाही लाने वाला है। ये पूरी कहानी तो एमसीयू अपनी मूवी में एडप्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ, कुछ पर्टिकुलर सीन्स ले सकते हैं एज ए इंस्पिरेशन। तो यार, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम कैंग को देखते हैं, जो कहता है कि ये है अर्थ 21st सेंचुरी का। इसके शुरुआत में हैटर्स लाइन की इंस्टॉलेशन अगले 342 साल तक नहीं होगी, और थेमोस्फीयर बैरिश शेड अगले 67 साल तक नहीं होगा। लेकिन उसके बाद सब नजरिया बदलेगा। यहाँ से देखोगे तो सब बेकार लगेगा, लेकिन स्ट्रेटेजिस के मामले में मैं इन्हें कमजोर नहीं समझता हूँ। मैंने कई सारी लड़ाई लड़ी है, वो भी हजारों दुनियाओं के साथ, और ये सीखा हूँ कि कोई भी लड़ाई में एक अच्छा कमांडर होना चाहिए, तो ही जंग जीत सकते हैं। अगर तुम्हारी सेना दुश्मन की सेना से ज्यादा है, तो तुम उन्हें आसानी से मसल सकते हो, पर अगर तुम कमजोर पड़ गए तो तुम्हारे दुश्मनों का साहस कमजोर करना होगा। ये सारी बातें कैंग अपने बेटे को बता रहा था, और तब हम देखते हैं कि वो एक बड़े से स्पेसशिप में था, जो देखने में एक स्वॉर्ड जैसा था। तभी कैंग अपने बेटे से कहता है कि ट्रांसपोर्ट चेंबर शुरू करो, और रही बात एवेंजर्स की, तो वो अगर बीच में आ गए तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एवेंजर्स मैंशन देखते हैं, जहां पर वॉरबर्ड प्रैक्टिस कर रही थी। वॉरबर्ड असल में कैप्टन मार्वेल है, जिसे नई पावर्स मिली है, और उसी पावर्स की लिमिट जानने के लिए वो ये सब कुछ कर रही है। और इन सब बातों का ध्यान हैंग पिम रख रहा है, जो इस वक्त गोलायत है। तभी वॉरबर्ड वहां के रॉबर्ट्स को तोड़ देती है और वहां से चली जाती है, लेकिन तभी हैंग पिम के सीने में दर्द होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम वंडर मैन और स्कारलेट विच को देखते हैं, जो एरिजोना के पहाड़ में घूम रहे थे, लेकिन उन्हें टोनी स्टार्क ट्रैक कर रहा था। तभी जैनेट टोनी से कहती है कि तुम्हारे दिमाग पे चल क्या रहा है, जिस पर टोनी कहता है कि तुम नहीं समझोगी। तो वही दूसरी ओर थॉर, क्विक सिल्वर, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक नाइट और फायरबर्ड और कुछ शील्ड के लोग कहीं पर आते हैं। तभी शील्ड का एक आदमी कहता है कि यहाँ पे किसी प्रकार की अननेचुरल हीट है, जो आइस और स्नो में बदल रही है। तभी ब्लैक नाइट कहता है कि देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। तभी ब्लैक नाइट एक सिग्नल भेजता है और उस सिग्नल का रिप्लाई आता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट की आवाज सुनते ही थॉर, कैप्टन अमेरिका, क्विक सिल्वर, ब्लैक नाइट और फायरबर्ड निकलते हैं। इधर न्यूयॉर्क में वॉरबर्ड, हैंक पिम, विजन और जैनेट एक जोरदार आवाज सुनते हैं। तभी टोनी अपना आयरन मैन सूट पहन लेता है। तभी आसमान से स्कारलेट सेंटुरन आता है, जो कैंग द कॉन्करर का बेटा है, और वो आते ही कहता है, मेरी बात सुनो इस सदी के लोगों, मैं यहाँ दूत बन के आया हूँ उस खतरे का, जो तुमने अपने सपने में भी सोचा नहीं होगा। हमारे मालिक आने वाले हैं, तो तैयार हो जाओ हमारे मालिक के लिए। लेकिन तभी दो ऑफिसर्स स्कारलेट सेंटुरन पर गन पॉइंट करते हैं, जिसे देखकर सेंटुरन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने पहले ही आगाह किया था, अब भुगतो। लेकिन तभी सेंटुरन के सामने एवेंजर्स आ जाते हैं। तभी आयरन मैन सेंटुरन से कहता है कि हम शांति से बात कर सकते हैं, एक बंदा पहले भी ऐसे ही सूट में आया था, लेकिन तुम वो नहीं हो। लेकिन तभी सेंटुरन को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं किसी को भी जवाब नहीं देता हूँ, तुम भले ही ये सदी के हीरोज हो, लेकिन तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो। ये कहते ही वो एवेंजर्स पे अटैक करता है। तभी सेंटुरन वॉरबर्ड को फेंक देता है और आयरन मैन को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने पूरे लाइफ में तुम्हारे बारे में सुना है, लेकिन आज तुम्हें देखने के बाद मैं इम्प्रेस नहीं हूँ, और आज तुम्हें मारकर तुम्हें एक तोहफे के तौर पर मैं अपने मालिक को दे दूंगा। ये कहते ही सेंटुरियन आयरन मैन के सूट से एनर्जी ड्रेन करने लगता है, लेकिन तभी गोलायत आके सेंटुरियन पर पंच मारता है, जिसके कारण आयरन मैन सेंटुरियन से अलग हो जाता है। तभी विजन ट्रांसपेरेंट होके सेंटुरन के अंदर अपना हाथ घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा विजन कर नहीं पा रहा था। तभी सेंटुरन विजन को खुद में हाथ घुसाने से रोकता है, और अगले ही पल सेंटुरन
विजन और गोलायत पर अटैक कर देता है और उन्हें दूर फेंकता है। तभी वॉस्प श्रिंक होकर सेंटुरियन पर फायर करती है, जिसके कारण सेंटुरियन कमजोर पड़ जाता है और तब एवेंजर्स सेंटुरियन को पकड़ लेते हैं। लेकिन सेंटुरियन अपनी पावर से सारे एवेंजर्स को फेंक देता है और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन तभी पीछे से वॉरबर्ड आती है और सेंटुरियन पर अटैक करती है। तभी वॉरबर्ड सेंटुरियन के स्टाफ को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लूंगी। तभी सेंटुरियन कहता है कि लाजवाब हो तुम और तुम्हारी जैसी सुंदरता मैंने देखी नहीं है। जिस पर वॉरबर्ड कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर सेंटुरियन कहता है कि जब ये खत्म हो जाएगा तो मुझसे आके मिलना। ये सुनते ही वॉरबर्ड कहती है कि ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी है। लेकिन तभी ट्रिलाइथन सेंटुरियन पर अटैक करता है और उसकी आंखें बंद कर देता है। लेकिन तभी सेंटुरियन अपनी एनर्जी से ट्रिलाइथन को जलाने लगता है। लेकिन तभी फिर से सारे एवेंजर्स मिलकर सेंटुरियन को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर पोर्टल खुल जाता है और सारे एवेंजर्स रुक जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर कैंग आ चुका है और वो एवेंजर्स से कहता है, मेरे बेटे ने अपनी हदें पार कर ली है और उसे माफ कर दो। लेकिन वो यहाँ पर एक शांति दूत बन के आया था, वो भी मेरा, और तुम लोगों ने उसके साथ बुरा किया, ये अच्छी बात नहीं है। तभी गोलायत कैंग से कहता है कि तुम जो कुछ भी करने वाले हो वो भूल जाओ, तुम्हें पहले भी हराया था और आज भी तुम्हें हराएंगे। जिस पर कैंग कहता है कि हाँ ये सही है, पर वो लड़ाई की बात थी, लेकिन ये कोई अटैक नहीं है और कूटनीति के नियमों के अनुसार तुम किसी भी दूत के साथ बुरा नहीं कर सकते हो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम किसका सामना करने वाले हो, पर तुम सीखोगे। ये कहते ही कैंग अपनी शिप को चार्ज करता है, जो अगले ही पल स्पेस से अटैक करती है और अर्थ पे एक बिल्डिंग को तोड़ देती है, जो कि यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग थी। फिर जब धुआं हट जाता है, तब आयरन मैन कैंग से कहता है कि ये तुमने क्या किया, वाह कितने सारे मासूम लोग थे। ये कहते ही एवेंजर्स कैंग और सेंटुरियन पर अटैक करते हैं। तभी वॉस्प कैंग से कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और आज तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। जिस पर कैंग कहता है कि शांत हो जाओ, अभी तो तुम सबको बहुत कुछ देखना है। ये कहते ही कैंग रिमोट में एक बटन दबाता है और वहाँ की जमीन फटने लगती है। तभी कैंग उस बिल्डिंग के सारे लोगों को ले आता है और कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा है और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों को मारने में। यह तो सिर्फ एक डेमो था तुम लोगों को दिखाने के लिए कि अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, वो भी बड़े आसानी से। यहाँ और भी चीजें हैं बात करने के लिए, जैसे कि फ्यूचर या कोई प्लेनेट। मैंने वो देखा है जो तुम्हारे लिए आ रहा है और ये दुनिया तबाही की कगार पर है और तुम सबको इन सब से एक ही आदमी बचा सकता है जो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है। Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange.